ये जो आजकल जो ये पढ़ने का पतंग जो आ रहा, खैर फिलहाल तो कोरोना में तो कारोबार तो एकदम फ्लॉप है। बारिश गिरी उससे हम दशहरे में ईद बनाते थे, हम यानी कि इतवार बनाते थे, वो फेल हो गया पूरा, पर्व नामो निशान नहीं आया। और एक बात, ये मांझा 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 जो कर रहे चाइना का मांझा, अरे पढ़ने की पतंग, ये कानपुर से आता, ये चाइना मांझा शायद दिल्ली से आता, खैर कहाँ से आता वो पता नहीं। हम 6-8 महीने पहले से अगर यहाँ की हमारी गवर्नमेंट ये मांझे के लिए अगर कुछ कदम उठाए, ये आज ये नौबत दिखना नहीं पड़ता। हर बच्चा आता, बड़ा आता, बूढ़ा आता, हमको चाइना मांझा होना बोल के हमारे को ये मांझा बताता लाके। भाई जब मेरी इतनी बड़ी शॉप धुलपेट में सत्यनारायण पतंगघर, अगर ये मांझा नहीं रहा तो मेरे का कारोबार नहीं चलता। फिर भी मैं कारोबार ये मांझा का कारोबार नहीं करता हूँ, फिर भी 1-2 किलो बड़ी पार्टियों को चला लेके मैं बेचना पड़ता है मेरे को लच्छे माल लेके। हम यहाँ की हुकूमत से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि भाई देखो, ये कौन कौन बड़े डीलर है, ये मांझा कहाँ से लाते, कहाँ से किधर से आता, कौन सप्लायर है, इनको क्या करे तो बहुत बहुत आपका एहसान बन रहेंगे। परिंदे मर जा रहे हैं, लोगों के नले खट जा रहे हैं, आम पब्लिक परेशान है ये मांझे से। हमारे ये मांझे से कुछ भी मार्जिन नहीं आया, गिरा कस्टमर आता ये कैसा किलो पूछता, किलो में हमारे को सिर्फ 15 से 20 रुपये मिलते। अगर हम तागे का बेचे तो दुनिया का हम लोगों को प्रॉफिट रहता। ये मांझा 8-9 महीने पहले से अगर हमारी यहाँ की गवर्नमेंट अगर इसको क्या करी कि भाई ये कौन ला रहा, कौन से आ रहा, कौन सप्लाई कर रहा, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये पढ़ने का पतंग देखो आप, ये पढ़ने का हमारी ये पेपर की पतंग के लिए भी हमारा डिमांड पूरा ख़त्म हो गया। वो सिटी में मुस्लिम हो या हिंदू, हमारे बहुत बड़े बड़े कारीगर हैं ये पतंगे। ये नहीं कि आप हिंदू हैं हमारे मुस्लिम, उससे मतलब नहीं है। हम मांझा सूदने वाले मुस्लिम, हम भी हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू मांझा सूदते पतंग पेपर की बनाने वाले, आज पूरे ख़त्म हो गए ये मांझा आने से, ये पढ़ने की पतंग आने से। यहाँ की हमारे एरिया पी एस साहब हमारे को बुला के पूरे दुकान वालों को अल्टीमेटम देते, साहब आप नहीं बेचना, ठीक है साहब नहीं बेचते, पर ये बड़े बड़े डीलर अगर उनको सप्लाई करें तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बताओ आप, बोलो आप क्या करेंगे, बोलो। हमारे एरिया पी एस साहब से वेलकम है, हम बोलते साहब नहीं बेचना, बोलते बुला के बोलते हो हम नहीं बेचते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट आपकी सबको वेलकम है, हम कुछ चाहते कि ये मांझा ख़त्म हो जाए, पर क्या करेंगे बताओ आप। ये 15 दिन पहले आके पुलिस हो और हर डिपार्टमेंट आके हमको तंग करते, वो गलत है ना साहब। आम आदमी बेचारे गरीब लोग लाला के कह कि थोड़ा थोड़ा भाई हम बेचेंगे बोल के ला के रख लेते। अगर ये 6-8 महीने पहले से अगर इसको टाइट करें ना, ये एक बॉबी नहीं आती यहाँ पर हैदराबाद में, अपने करोड़ों का कारोबार है, ये करोड़ों का कारोबार। मेरा इतना बड़ा शॉप है, मेरे कहने 2-4 किलो किसी की दुकान में से ला लेके बेच लेता हूँ मैं, समझे ना। पर ये इसको थोड़ा ध्यान देना हमारे हुकूमत से दरख्वास्त है।